नमस्कार, मैं जेबा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुंदेलखंड 24। बढ़ते हैं झांसी की कुछ मुख्य खबरों की तरफ। झांसी मौरानीपुर पीएनसी कर्मचारी संदिग्ध हालात में कमरे में मिले। आनन फानन में शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार गुरुवार की सुबह पीएनसी में सर्वे हेड पद तैनात कर्मचारी जयप्रकाश त्रिपाठी जब सुबह सोकर नहीं उठे तो अन्य कर्मचारियों ने उनका दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा ना खोलने पर कर्मचारियों ने दरवाजे को तोड़ दिया और अंदर जाकर देखा जयप्रकाश के नाक और मुंह से खून निकल रहा था और वो बेड पर पड़े थे। कर्मचारियों ने तुरंत ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कर्मचारियों ने जब ये सूचना मृतक के परिवार को दी तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ और वो उसे झांसी ले जाकर इलाज कराने की बात कहने लगे। कर्मचारियों ने बताया कि जयप्रकाश त्रिपाठी को रात में लगभग 10 बजे कमरे के बाहर कुत्तों को रोटी डालते हुए देखा गया था। फिलहाल शव की सूचना कोतवाली पुलिस को दे दी गई है। कोतवाली पुलिस पीएनसी कर्मचारियों से पूछताछ करने व जांच में जुट गई है। मौरानीपुर से संवाददाता मनीष नायक के साथ जगदीश की रिपोर्ट।